हेलो एवरीवन, मैं अभिज्ञान सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो सेशन लेकर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सेशन क्लास 9th के मोशन के एक लास्ट वीडियो सेशन होगा, जिसमें हम कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि फ्रेंड्स जो हमने क्वेश्चन लास्ट सेशन में ड्राइव कराया था, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, किस तरह से हम उनका यूज़ कर पाएंगे, किस फॉर्मूला का यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात को आपको समझा सकें, आप उनका उन सारे फार्मूलाज का यूज़ कर सको और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके लिए इजी बन पाएँ, हम इस सेशन में ये पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम आपके लिए क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक से ही ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो ये फर्स्ट वाला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देखिए कौन सा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है फ्रेंड्स, एन एथलीट कम्प्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर रन करता है, दौड़ता है, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। तो चलिए एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं हम, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक हो गया और ये एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जिसमें इसका डायमीटर जो है वो है 200 मीटर का, ठीक है, और वो एक उसका पूरा कंप्लीट राउंड लगाने में कितना टाइम लेता है फ्रेंड्स, 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड में वो एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है। चलो अब क्या बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। इट मींस अगर वो 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट करता है, तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको याद है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें यानी डिस्टेंस पता करना है। तो वो टोटल अगर वो 40 सेकेंड में, सबसे पहला हमें क्या काम करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि अगर वो 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट करता है, वन रिवॉल्व्स करता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा वो पता कर लेते हैं ना। चलो सबसे पहले लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ द, या टोटल लिख देते हैं कि चूंकि बिकॉज डायमीटर ऑफ ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, वो है 200 मीटर, ठीक है। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड्स, सो ये भी दिया है गिवन, टाइम टेकन इन वन राउंड, एक राउंड में उसके द्वारा कितना टाइम लिया जाता है 40 सेकेंड, ठीक है। तो सो टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम लिख दो, टोटल टाइम कितना है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब 2 मिनट एंड 20 सेकेंड को अगर ओवरऑल कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 2 × 60 सेकेंड एंड प्लस 20 सेकेंड, यानी बताओ तो ओवरऑल कितना सेकेंड हो गया फ्रेंड्स, ये 120 और प्लस 20 यानी 140 सेकेंड, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ राउंड्स, इट मींस फ्रेंड वो टोटल कितना राउंड लगा पाएगा, तो नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम और बाई टाइम टेकन इन वन राउंड, इन वन राउंड, ठीक है, क्या होगा वो 140 सेकेंड था और ये भाई हो गया 40। चलो डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 7 2, यानी 7 × 7/2 यानी हो गया फ्रेंड्स 3 × 1/2, यानी 3.5 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर पाएगा, 3 पूरा कंप्लीट राउंड एंड हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। मीन्स अगर मान लो वो उसका इनिशियल पोजीशन ए है, तो वो
टू मिनट एंड 20 सेकेंड में क्या करेगा, वन रेवोल्यूशन, देन सेकेंड रेवोल्यूशन कंप्लीट, देन थर्ड रेवोल्यूशन कंप्लीट, एंड देन हाफ क्या होगा कि यहाँ से वो इस पोजीशन में आकर के रुक जाएगा, ठीक है। यानी उसका इनिशियल पोजीशन ए था और वो लास्ट पोजीशन क्या होगा फ्रेंड्स, बी पर, ठीक है। तो यानी फाइनल पोजीशन उसका क्या हो जाएगा, बी, इनिशियल पोजीशन ए। तो चलो पहले ये हम पता करते हैं कि वो एक रिवोल्यूशन में जो उसका फर्स्ट रिवोल्यूशन होगा, फर्स्ट राउंड होगा, उसमें टोटल उसके द्वारा कवर डिस्टेंस क्या है। तो टोटल कवर डिस्टेंस इन वन राउंड पता करते हैं, बिकॉज कवर डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस इन वन राउंड क्या होगा फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो आप, कवर डिस्टेंस इन वन राउंड इक्वल टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द पास पाथ, सरकमफ्रेंस ऑफ पाथ, और सरकमफ्रेंस ऑफ द पाथ क्या होता है फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टू पाई आर, या टू पाई आर किसके इक्वल होता है, पाई डी के, ठीक है। पाई डी यानी ओवरऑल हमारा वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 22/7 पाई क्या वैल्यू, एंड इनटू डी क्या है फ्रेंड्स, डी है हमारा 200 मीटर, ठीक है। यानी ओवरऑल आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4400/7 मीटर। चलो हमारा ओवरऑल टोटल हम कितना राउंड लगा पा रहे थे, तो सो टोटल डिस्टेंस पता कर लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस वो तो वन राउंड में था ना, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4400/7 वन राउंड, और इनटू टोटल कितना राउंड लगा पा रहा था, 3 इंटीजर 1/2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4400 मीटर/7 और 7/2 ये हो जाएगा ना, 7 से 7 कैंसिल, और ये डिवाइड करोगे तो कितना, 2200 मीटर। यानी टोटल वो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में 2200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको याद है ना क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमारे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, और देखो वो स्ट्रेट लाइन क्या बना पा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल डायमीटर इक्वल है किसके, डायमीटर ऑफ द सरकमफ्रेंस, सॉरी सर्कल के। यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर। यानी नाउ अगर हम लिख दें, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हमारा हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन बिटवीन, डायरेक्ट लिख देते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ द ट्रैक, और ये क्या है, 200 मीटर, क्लियर, ठीक है। तो चलो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जाम, एक और न्यूमेरिकल्स की हम हेल्प लेते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। जो फिर ये भी एक एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो इसको भी समझते हैं क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन। फर्स्ट ये सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ A straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 second. How far does the boat travels during this time? तो सबसे पहला फ्रेंड्स, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा ईजीएस्ट बन जाएगा कब, जब हमें तो सबसे पहले जो भी फॉर्मूला हैं, इक्वेशंस हैं, वो पता होने चाहिए, एंड देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो जो टर्म दिया है वो कौन सा है ये समझना होगा। तो टर्म समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमें टर्म्स जो हैं उनके यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिट्स क्या है,
अगर यूनिट्स हमें पता चल गए हैं, यूनिट्स ऐसा यूनिट्स याद है हमें, तो हम देखते ही पता कर लेंगे कि ये जो टर्म दिया हुआ है, गिवन टर्म, वो क्या चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, जैसे अगर हम बिना ये क्वेश्चन में अगर ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आया तो ये काफ़ी है, इस टर्म को देख करके समझने की कोशिश करते हैं। 3.0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप याद करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस चीज़ का ऐसा यूनिट है, याद आ रहा है आपको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है ना, यानी ये जो मूविंग बोट था उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, गिवन टर्म में क्या है, एक्सेलरेशन। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि गिवन क्या है, ए एक्सेलरेशन गिवन है क्या है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन 4 लिख रहा है, 4 इसका एक्सेलरेशन में जो चेंज, जो एक्सेलरेशन ये क्रिएट हुआ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्या है, 48.0 एस, एस मतलब सेकेंड। अब सेकेंड किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का, यानी यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टी लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू 8.0 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और बोला है कि अ मोटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मोटर क्या था, पहले रेस्ट पोजिशन में था, और मैंने जब इक्वेशन डराइव करा रहा था मैं उसी टाइम आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, इट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी यू जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है, यानी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ज़ीरो मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट होता है ना वेलोसिटी का। और अगर कोई चीज़ जिसका फाइनल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट और वो लास्ट में उसका जो फाइनल पोजीशन है वो रेस्ट में हो जाता है, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, जीरो। अगर रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर रेस्ट हो जा रहा है लास्ट में जा करके जो फाइनल पोजीशन है वो रेस्ट बन जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी फ्रेंड्स जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं, टर्न तो समझ में आ गया। अब हो रहा है, एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकेंड। मतलब एक बोट जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट के पोजिशन से और एक स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंट रेट, जिस जो रेट क्या है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ, 8 सेकेंड के लिए। और हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, अब हाउ फार का मतलब समझते हो ना, हाउ फार मतलब कितनी दूर, कितनी दूर। अगर हाउ लॉन्ग होता तो हाउ लॉन्ग का मतलब क्या, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम से पूछता है कि कितना टाइम, हाउ फार मतलब कितनी दूर, यानी कितनी दूर, डिस्टेंस की बात कर रहा है। और आपको याद आ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस की जब भी बात आ रहा था तो हम क्या चीज़ लिख रहे थे, एस यानी डिस्प्लेसमेंट। अब चलो, यानी हमसे बोल रहा है कि आप एस निकालो कि इस टाइम में बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस टाइम मतलब क्या, 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको पता लगाओ। तो हमें क्या दिया है फ्रेंड्स, ए दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है और यू भी पता है, और पता क्या करना है, एस पता करना है। अब अगर आपको इस बात को लेकर के डाउट हो रहा हो कि हमें कौन सा, तीन इक्वेशन थे ना हमारे पास, तीन इक्वेशन थे, कौन कौन से थे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देन लास्ट था v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, सॉरी as, v इज इक्वल टू as, नो नो 2s, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इन तीनों में कौन से का यूज़ आप कर सकते हो, कौन सा इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, तो वो देखो हमारे पास देखना होगा कि एस हमें ड्राइव करना है, इसके हेल्प से भी हम इस ड्राइव कर सकते हैं, इसमें तो एस से रिलेट है ही नहीं, ये तो कैंसिल हो जाता है, एस इस वाले टर्म में है और इसमें भी है। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखना है कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारा एस निकालने का, उसमें यू चाहिए होगा, टी चाहिए होगा और ए चाहिए, क्या चाहिए, यू टी एंड ए। यहाँ देखो U दिया है, T दिया है, A दिया है, यानी सेकेंड फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं कि फ्रॉम S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करो, U क्या था, ज़ीरो मीटर पर सेकेंड, और इनटू T क्या था फ्रेंड्स, T इज इक्वल टू 8 सेकेंड।
प्लस हाफ ए का वैल्यू पुट करो कितना है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर है हमारा 8 सेकेंड का द होल स्क्वायर। अब देखो किसी भी नंबर में हम जीरो से जब इंटू करते हैं तो जीरो बन गया, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ और ये देखो थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू ये कितना हो जाएगा 64 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर किए थे पूरे को। अब टू से टू को कैंसिल करो, टू से 64 को कैंसिल करोगे तो कितना 32 आएगा ना, और 32 में थ्री से इंटू करो तो 3 2 6 और 3 3 9, और जो हमारा s होता है उसका टोटल, s यानी s किस चीज़ को, डिस्टेंस को दिखाता है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी यानी मीटर, यानी 96 मीटर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सॉल्व, न्यूमेरिकल क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आई होप आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से ड्राइव सॉल्व कर लोगे। तो इस वीडियो सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही, हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट लेकर हाजिर होंगे। अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना ना भूलें।